और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के लेविस्टन से ये बड़ी खबर है जहां पर अंधाधुंध फायरिंग में 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये वो शख्स है जिसने ये फायरिंग की है। ये पहली तस्वीर लेविस्टन से आई है, अमेरिका के लेविस्टन में इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हुई है जिसमें 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है अमेरिका में इस तरीके से मास शूटिंग होती आई हैं, ऐसे में कई बार विरोध भी हुआ है। और एम्बुलेंस के जरिए आप देखिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। गोलीबारी हुई है और वो शख्स जिसने ये गोलियां चलाई है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमेरिका के लेविस्टन में जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, गोलीबारी की गई है, हमला किया गया है, 22 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अमला आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार अमेरिका में इस तरीके से मास शूटिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार चिंताजनक है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल जो है लोगों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लेविस्टन से ये बड़ी खबर, आप उस शख्स को देख पा रहे हैं, हाथ में उसके बंदूक भी आप देख पा रहे हैं, इसी बंदूक से उसने शूटिंग की है। ये मास शूटिंग हुई है जिसमें 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें हैं, अमेरिका के कई इलाकों से इस तरीके से मास शूटिंग की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये वो तस्वीर उस शख्स की जिसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये मास शूटिंग हुई है जिसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जो है जो लोग घायल हैं उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है।